मैं जितेंद्र आप लोग के साथ मैं एक शेयर करने चाहता हूँ स्टोरी जो शायद हर व्यक्ति के लाइफ में आती है। बहुत दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा था क्या करूँ जो मैं सबसे अलग रहूँ, मैं खुश रहूँ और मैं आगे बढ़ूँ। मैंने सोचा ये तो सबकी प्रॉब्लम है, इसे कैसे सॉल्व किया जाए। फिर तो मैंने उसे बोला ठीक है मैं तुमसे बात करता हूँ बाद में, क्योंकि उस टाइम उस बच्चे के सही समय नहीं थी जो हम उससे बात कर सके। ये छोटी सी बात नहीं है जिसको बात कहकर और तुरंत जस्ट ही ख़त्म कर दें। तो मैंने उसे संडे को बुलाया तो मैंने उससे बात की क्या प्रॉब्लम है आपको। तो उसने बताया मुझे कि मैं जब भी किसी से बात करता हूँ ज़्यादा या किसी से कुछ मतलब रखता हूँ तो मैं हर चीज़ में पीछे हो जाता हूँ। मैंने बोला हाँ ये तो सच्ची है, किसी ने कहा है कि वक्त किसी की रुकता नहीं है, वक्त जाती रहती है समय, तो आप किसी के लिए समय बर्बाद मत कीजिए, वेस्ट मत करो। तो फिर मैंने उसे कहा जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने कि मान लीजिए आप जा रहे हैं किसी काम से, कॉलेज जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं, तब आपका फ्रेंड भी जा रहा है, तो अगर आप उसे बोलते हैं ठीक है आपको बोलता है वो फ्रेंड कि हम भी चल रहे हैं हमको ले चलो, उस टाइम आपको एक ही बात सोचनी है अगर ये बच्चे अगर हर हमेशा लेट होते हैं किसी न किसी वजह से डिफिट आपका भी लेट करेगा, और लेट होने से क्या होता है आपको डांट लग सकती है कॉलेज में या स्कूल में, अब शर्मिंदा होंगे समय पर नहीं पहुँचेंगे तो बहुत सारा क्लास मिस हो जाएगी, हो सकता है आपका अटेंडेंस नहीं बने, बहुत सारी घटा हो सकती है। इसके बावजूद भी आप उस अपने फ्रेंड के लिए रुकते हैं, ये रुकना उचित नहीं है। अगर वो फ्रेंड आपको बोलता है रुकिए तो आपको अगर सही में खुश रहना है हर चीज़ पूरा करेक्ट करना है तो आपको उन्हें बोले ठीक है दोस्त मैं आगे बढ़ रहा हूँ तुम पीछे पीछे आओ, बट ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, नहीं फ्रेंड हम साथ ही चलेंगे, जिसके कारण क्या होता है वो मेरे मौके का फायदा उठाता है। क्या उठाता है अरे ठीक फ्रेंड मैं चलता हूँ, वो जाता है लेट से खाने खाते हैं जो भी काम करने लगता है या तैयारी होने लगता है जिसमें आपका भी रिलेटेड है उसका रिलेटेड है, तो क्या बोलते हैं दोस्त आज छोड़ दो कल चलते हैं, कल से आप भी ज़्यादा बार बार करने के बाद डिमोटिवेट रहते हैं जिसके कारण जा नहीं पाते हैं, और इससे बुरी कारण क्या होता है आप घर पर आते हो पापा से डांट सुनते हो मम्मी सुनते हो उसके बाद सारा दिन डिप्रेशन में रहते हो, आपको कुछ भी लगेगा नहीं कि मैंने पढ़ा है या काम किया है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जब मिड डे में अगर कोई भी काम आप लोग अधूरा करते हैं तो शायद वो पूरा नहीं होता है, उसके बाद कुछ करने का दिल भी निकलता है। उसी तरह पढ़ाई भी एक वही चीज़ है, जब आप काम कर रहे हो अगर बीच में छूट जाए तो आप पूरा नहीं कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको खुश रहनी है आगे बढ़नी है तो आपको एक काम और करनी होगी, आपको जो मिले काम करने के लिए पढ़ने के लिए या खाने के लिए उसमें संतुष्टि रहना चाहिए। अगर आप संतुष्ट नहीं रहते हैं तो शायद आप में एक लालसा होती है, लालच सब भर जाती है जिसके पीछे भागने लगते हैं, तो वो आपको एक तरह से आपको जो सफलता पाने के वो बाधा डालेगी। आजकल देखते हैं बच्चे को मोबाइल थोड़ा सा जानकारी हुई उसके पीछे सारा समय बर्बाद कर देते हैं पढ़ाई के अलावा, तो शायद सफलता नहीं पा पाएंगे। अभी आपके समय है पढ़ने का, आप जीवन पढ़िए ना, उसके बाद तो सारा उम्र बचा हुआ है ना आपको मोबाइल टिपने का या कोई भी कहीं भी कुछ करने का। और सेकेंड बात, कभी भी विश्वासी लोग पर विश्वास कीजिए, एक बार जो आपको झूठ बोले और आपको विश्वास हो जाए कि ये झूठ बोलता है हमेशा उससे दोबारा दोस्ती मत करें। एक बहुत दिन पहले एक बच्चे ने मुझे कहा, मैंने उससे दोस्ती किया मैंने उसे ट्रस्ट किया, हर बार मैं उससे ऐसे बिहेव करता था गाली गलौज करता था लेकिन मैं उसे माफ़ कर देता, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मानो तू हर्ट हो गई वो मेरे पापा पे पहुंच गया। ये सच बात है, जो अपने पापा का नहीं होगा अपने भगवान का नहीं होगा वो आपका भी नहीं होगा, ये सच है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो ज़्यादा बोले उसे दूर रहा करो, नहीं तो अपनी लाइफ में कभी भी खुशी नहीं रहोगे। अपने ज़रा देखते हुएगा कि जो लोग कम बोलते हैं वो ज़्यादा नॉलेज बढ़ होते हैं, ज़रा ज्ञान उनके पास होती है वो ज़रा आप सक्सेस पाते हैं। तो सबसे पहले आपको कम बोलना है, सेकेंड बात जो मिले आप उसमें खुश रहना होगा, और किसी के लिए अपना समय बजाय नहीं की बेस्ट साफ नहीं करें,
वेस्ट करने से समय आपका वेस्ट होगा तो होगा ही, साथ में आपका जो लक्ष्य है वो भी टूट सकता है। अच्छा एक और बात, तीसरा बात क्या है मेरी, कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे गुस्सा हो, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आप उसको गुस्से में कभी बात ना करें, हंसते हंसते बात करें। शायद वो व्यक्ति गुस्सा हो भी, तब भी अगर बात करते हो आप उससे हंसते हुए, तो उसे उतना गुस्सा नहीं होगा जितना होना चाहिए। अगर आप भी गुस्सा होकर बात करोगे वो और गुस्सा होगा, उसमें अपना सब कुछ व्यक्ति ने खो देता है। क्या करना है, क्या बोलना है, तब आपको कुछ भी कर सकते हैं, आपको कुछ भी बोल सकते हैं, जिससे कारण क्या होता है, आप डिमोटिवेट होते हैं और आप भी एक तरह से माइंड जो है ना काम करना मन करता है, क्या सही है क्या गलत है, तो आप भी कुछ करने पर भीग जाते हैं, जिससे कारण क्या होता है, हमारी बहुत ही छोटी होती है। अब बड़ी से हो, धन से हो, जो भी चीज़ हो, वो बहुत छोटी होती है। जहाँ तक कि आप अनमोटिवेट होकर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और आपका सारा दिन बर्बाद होती है ना, आप खाना खाते हैं सिर्फ सोचते रहते हैं मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, वो मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, जिसके कारण क्या कुछ भी काम नहीं हो पाता। जो बच्चे स्टूडेंट है उसके वजह से शायद उस सारा दिन बर्बाद होता है, वो कहीं नहीं जा पाता। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा आप लोग को, उस व्यक्ति से दूर रहिए जो गुस्सा करता है। अगर गुस्सा करता है तो आपको नॉर्मल होनी चाहिए। हम बहुत देखें किसी के पति पत्नी दोनों एक गुस्से वाले हैं तो एक नॉर्मल है, उसका घर परिवार कुछ हद तक चलता है। लेकिन अगर दोनों गुस्से वाले हैं तो वो गलत कदम उठा के और वो अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं। इसलिए आपको हमेशा अगर कोई गुस्सा करता है तो आपको नॉर्मल से बात करनी है, ना कि लड़ाई से, बल्कि ओनली बात करके उसको सॉल्व करनी है, जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकेगा। कहा जाता है ना कि अगर अगर आप किसी चीज़ को अच्छे दिल से मानोगे, अच्छे से बात करोगे, तो एक ना एक दिन उसका दिल पिघलेगा और आपके प्रति उसका झुकाव होगा, एकदम झुकाव होगा। जैसे आप देखते एक डाली में, पेड़ की डाली में जब फल होती है तो वो बड़ी सी पेड़ की डाली को भी झुका देती है। उसी तरह आपको एक बात सोचनी है कि अगर आपके पास गुण होगी तो आप हथियार से नहीं, उसके गुण से नीचे झुका दोगे अपने ओर। तो बस मेरी यही है कि तीन बातें को अपने माइंड में सेटअप कर लेना है और कभी किसी से बहस नहीं करनी है। एक और बात, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बहस करना। बहस करना क्या है, सबसे बेवकूफ़ वो होते हैं लोग, एक तो बेवकूफ़ लोग वो होते हैं जो बहस करते हैं, तो उससे भी बेवकूफ़ वो होते हैं जो उस बेवकूफ़ आदमी से बहस करने लगते हैं। कभी भी समझदार व्यक्ति चाणक्य ने कहा कि किसी से आर्ग्यू नहीं करता है, किसी से बहस नहीं करता है, कभी नहीं। अगर वो बोलता है तो बोले ठीक भाई, तुम भी सही हो, मैं गलत हूँ। शायद इसीलिए